आत्म दर्शन स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले आत्म दर्शन स्वयं का ओम शांति राजयोग के इस सत्र में राजयोग की आगे की दो अवस्थाओं के विषय में सुनेंगे एकाग्रता एवं अनुभूति की अवस्था जिस प्रकार पहली दो अवस्था के विषय में सुना विचार सागर मंथन अर्थात मन को उस सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए आवश्यक है कि अच्छे चिंतन चलने के स्रोत अर्थात ज्ञान के साथ हमारा नित्य संपर्क हो बुद्धि के अंदर ज्ञान की बातें चलती रहेंगी तो मन को उस दिशा में लगाना सहज हो जाएगा और धीरे धीरे परमात्मा के साथ का संबंध जितना नज़दीक का गहरा होता जाएगा, उतनी उस पिता परमात्मा से वार्तालाप करना आसान हो जाता है और उस वार्तालाप में जरूरी नहीं है कि हम कोई इंटेलेक्चुअल स्तर से ही बातें करें नहीं जो भी मन में विचार आए जैसे भी हो लेकिन ईश्वर के साथ के मधुर मिलन का अनुभव करने के लिए भावना की आवश्यकता है वैसे भी कहा जाता है भक्ति के अंदर कि प्रभु भावना को देखता है बुद्धि कैसी है ये नहीं देखता परंतु जब भावना के आधार पर भावभरी बातें उसके साथ करते हैं तो उस भाव भरी बातों के अंदर ईश्वर भी पिघल जाता है एक कहानी याद आती है कि एक बार एक बार पादरी चर्च के अंदर प्रेयर कर रहा था एक छोटा सा बच्चा बाजू में आकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि पादरी ने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कुछ होट फड़फड़ा रहा है यह देख कर के बच्चा भी नकल मार करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मुंह फड़फड़ाने लगा पादरी बार बार उसके तरफ देख रहा था पता नहीं ये बच्चा क्या बोल रहा होगा अंदर में उसके विचार चल रहे थे परंतु प्रेयर की मध्य से उसको कैसे पूछे इसलिए प्रेयर के बाद उसने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि तुम क्या बोल रहा था तो बच्चे ने पादरी को पूछा आप क्या बोल रहे थे पादरी ने कहा मैं तो प्रेयर बोल रहा था तो बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर ही बोल रहा था पादरी ने पूछा तुम कौन सी प्रेयर बोल रहे थे तो बच्चे ने पादरी से पूछा आप कौन सी प्रेयर बोल रहे थे पादरी ने अपनी प्रेयर सुनाई तो बच्चा मुस्कुराकर कहता है मैं तो एबीसीडी बोल रहा था पादरी ने कहा अरे भगवान के सामने कोई एबीसीडी बोलने की होती है बच्चे ने कहा यह तो मैं नहीं जानता हूं कि भगवान के सामने मैं ए बी सी डी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपने जो प्रेयर बोली उसमें भी ए बी सी डी के वही छब्बीस अक्षर थे परंतु ढंग से लगे हुए थे जिसको आपने प्रेयर कहा मैंने भी वही छब्बीस अक्षर बोल दिए सीधी सी बात में बोल दिए और उसको कह दिया कि जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे उसको जोड़ देना अब आप सोचो कि भगवान किसकी बात को देख करके सुन करके ज़्यादा उसको प्यार करेगा उस पादरी को ज़्यादा प्यार मिलेगा जिसने व्यवस्थित वो अक्षर लगाकर एक प्रेयर बोली उसको या उस बच्चे के प्रति ज़्यादा प्यार उत्पन्न होगा तब कहा कि भगवान विवेक भरी या इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज नहीं समझता है परंतु भगवान भावना से भरी ए बी भी, भी क्यों न बोल दे वही उसको प्यारी लगती है इसलिए बच्चे के प्रति ज़्यादा प्यार उत्पन्न होता है बड़ों के भेंट से इसी प्रकार जब भगवान से बातें आरंभ कर देते हैं तो कोई भी बात उसको हम कह सकते हैं अधिकार रख करके उसको बता सकते हैं और ये गारंटी है कि वो किसी को सुनाएगा नहीं दुनिया में आज कितना भी कोई नज़दीक का दोस्त क्यों ना हो अपनी पर्सनल बात अगर उसको सुनाते भी है कई बार कहते भी हैं कई लोग कि ये बात मेरी अपनी पर्सनल है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ लेकिन भूल से भी तुम किसी को ये बात बताना नहीं लेकिन फिर भी जब उसके मुख से भी वो बात निकल जाती है घूम फिर करके वो बात वापस अपने पास आती है तब हम उस दोस्त को भी कहते हैं अरे मैंने इतना विश्वास रखा था तुम्हारे ऊपर और तुमने ये बात बता दी मैंने समझा ही नहीं था तुम ऐसा अपने में ये बात समा नहीं सकेगा लेकिन सोचने की बात है कि मेरी अपनी बात पर्सनल बात अगर मैं अपने पेट में नहीं समा सकी तो क्या गारंटी है कि दूसरा मेरा कितना भी नज़दीक का व्यक्ति क्यों न हो लेकिन वो मेरी बात को समाएगा नहीं समा सकता है जब मेरी बात मेरे बत्तीस दांतों के बीच से भी निकल गई तो जरूर है कि पड़ोसी या दूसरा व्यक्ति मेरी बात को हजम करने की शक्ति नहीं रखता है उसके बत्तीस दांतों के बीच से भी निकल ही जाएंगी लेकिन भगवान के साथ के रिश्ते में ये गारंटी है कि कोई भी बात अगर हमने अपनी सुना भी दी उसको वो कभी किसी को नहीं सुनाएगा और ही समय पर वो हमारा मददगार बन जाता है उलझन भरे समय में भी वो रास्ता निकाल लेता है और हमें पार करा देता है इसलिए कहा ऐसा नजदीक का रिश्ता हो जिसके आधार पर हम उस संबंध का सुख भी उनसे ले आज दुनिया के कितने भी संबंध नज़दीक के हमारे प्यार भरे संबंध क्यों न हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस संबंध का सुख हम भोग पाते हैं संबंध का सुख के बजाय आज दुख की दुनिया बन चुकी है तो दुख की दुनिया में दुख की प्राप्ति अधिक होती है और इसलिए वो संबंध निभा नहीं पाते हैं भगवान एक ऐसा है जो वफ़ादारी से वो संबंध निभाता है और निभा करके हमें भी सिखाता है कई बार ये देखा जाता घर में बहुत सारे मेहमान आ जाए कितनी भी हम उनकी देखभाल करें हर चीज़ परफेक्ट रखें लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी पेशी जब आ जाती है और उस बात को लेकर के नाराज़ हो जाते हैं तो घर के नज़दीक के व्यक्ति उस बात को ढकने के लिए बात को फेर लेते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा न लगे कि किसी तरह भगवान के साथ कब भी वो संबंध जोड़ कर वो ऐसा प्रीतम भी बन जाता है कि हमारी हर बात को हर कमी पेशी को जीवन में ढक भी लेता है किसी के सामने प्रदर्शित होने नहीं देता ये उसका प्यार है और ये परमात्मा प्यार को जो अनुभव कर लेता है वो हर कदम उस सुख का एहसास करने लगता है कि वाह हे भगवान कैसी तेरी लीला है कोई समझ नहीं पाता उस लीला को ये अंदर से एक वाह वाह के गीत शुरू हो जाते हैं निकलने लगते हैं क्योंकि हर घड़ी की उसकी लीला को जब देखते हैं ये नहीं है कि भगवान ने सिर्फ उन गोप गोपियों के साथ लीलाएं की लेकिन आज के संसार में भी अदृश्य रूप में भी हम उस लीला का अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में और उसके आधार पर प्यार से उसकी याद बनी रहती है एक बार एक बहन थी उनके तीन बेटे थे और वो तीन बेटे बड़े होकर के पढ़ लिख कर के अलग अलग शहरों में चले गए नौकरी धंधे के अर्थ बूढ़ी होती चली गई परंतु कभी भी उस माता से पूछेंगे कि माता जी आपको कितने बेटे हैं हमेशा उसका उत्तर यही होता था कि मुझे चार बेटे हैं तीन बेटे तो उसको अपने थे ही थे और चौथा बेटा उसने भगवान को माना था हर रोज़ वो भगवान से नित्य ऐसी बातें किया करती थी कि जैसे उसका वो हर घड़ी सुन रहा हो एक दिन बुढ़िया दोपहर तक दिखाई नहीं दी जब उसके घर में जाकर के देखा बारह एक बजे तक वो तैयार होकर के बैठी हुई थी तो उसको पूछा सवेरे से आप दिखाई नहीं दी तो उसने कहा कि आज मैं अपने बेटे के साथ ही बैठी हुई थी अंदर में किसी ने पूछा भी क्या वो तीन में से कोई आया है क्या कहा नहीं वो तो अपने अपने नौकरी धंधे में लगे हुए हैं लेकिन चौथा बेटा जो मेरे साथ है उसके साथ बातें कर रही थी पूछा कि क्या बातें चल रही थी तो उस बुज़ुर्ग माता ने बताया कि रात से ही मुझे बुखार चढ़ा था सवेरे उठी भी लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हुई शरीर बहुत टूट रहा था गला सूख रहा था आंखें जल रही थी तो उठी लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं रसोई तक भी जाऊं, तो कहा मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटे तीन में से अगर एक कोई होता था तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाता था आज वो तीन तो है नहीं लेकिन तुम मेरे साथ में जो हो क्या तुम तो मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाओगे कोई आया नहीं लेकिन उस बुढ़िया ने कहा कि मेरा गला जो सूख रहा था गीला हो गया और मुझे यह संतुष्टि जैसे कि मैंने पानी पी लिया है उसके बाद मैं लेट गई लेट गई तो लगा जैसे कोई पैर दबा रहा है उसके बाद महसूस हुआ कि जैसे कोई सर दबा रहा है उतने में ही नींद आ गई नींद आ गई तो जब एक दो घंटे के बाद उठती हूं देखती हूँ ना बुखार है शरीर में ऐसी एक चुस्ती आ गई है कहा ये बेटा तो ऐसा बेटा है कि बस एक हाथ घुमाता है सब ठीक कर देता है कोई ऐसा बेटा भी नहीं होगा जो इतनी सेवा करे भगवान ऐसा बेटा भी बन जाता है जो बेटे का सुख देकर सेवा भी करता है तो इसलिए कहा सर्व संबंधों का सुख उस परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उसके गहरे से गहरे नज़दीक से नज़दीक अनुभव कर सकते हैं और जितना यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है उतना उसकी याद इतनी स्वाभाविक हो जाती जो उसकी याद में समाना एकाग्र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है मन समा जाता है खो जाता है और ये समाने का अनुभव ऐसा होता है जैसे सागर के तले में चले जाना आपने तैरक देखे होंगे कुछ तैरक ऐसे होते हैं जो तालाब में तैरने वाले होते हैं कुछ नदी में तैरने वाले होते हैं और कुछ सागर में तैरने वाले होते हैं जो सागर में तैरने वाले तैरक होते हैं उनको नदी में तैरना अच्छा नहीं लगता है उनको लहरों से टकराना और उस मस्ती में खेलना अच्छा लगता है लेकिन सागर में तैरने वाले भी दो प्रकार के तैरक होते हैं एक होते हैं जो लहरों से टकराते हैं सरफेस पर स्विम करते हैं और दूसरे प्रकार के वो तैरक होते जो सागर के डीप जा के फिर वहाँ से डाइव करके भीतर चले जाते हैं और जो सागर के भीतर चले गए उनका अनुभव अगर पूछो तो घंटों तक वो नीचे रहते हैं और उन्हें ऐसा अनुभव होता कि एक दूसरी दुनिया में चले गए और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने में खोजने में इतना आनंद आता है कितने घंटे बीत गए उन्हें बाहर की दुनिया का जैसे कोई होश ही नहीं है कोई भान नहीं है बाद में कई लोग ऊपर से जब उनकी रस्सी आदि खींचते हैं तब उन्हें होश आता ऊपर जाना चाहिए क्योंकि एक दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इसी प्रकार राजयोग में भी जो प्रथम अवस्था है वो सागर के लहरों के साथ टकराना या तैरने वाली बात है कि जहाँ हम स्विम कर रहे हैं लेकिन कुछ नेगेटिव विचारों के लहरों के साथ टकराना भी होता है परंतु ये तीसरी अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ हम सागर के गहराई में चले जाते हैं समा जाते हैं खो जाते हैं और एक अलग दुनिया में जैसे प्रवेश कर लेते हैं बाहर की दुनिया से मन एकदम डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर के इतना उस प्रभु मिलन में समा जाता है कि एक अलग दुनिया में जाकर के उस दुनिया को एक्सप्लोर करते करते उसका आनंद अनोखा होता है यह तीसरी अवस्था एकाग्रता की होती है जहां और कोई बात का होश नहीं है कितना समय बीत गया बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे जैसे बिल्कुल मन कट ऑफ हो जाता है और उसके बाद चौथी अवस्था आती है जिसको कहा जाता है अनुभूति की अवस्था और ये अनुभूति की अवस्था के जहाँ जो अनुभव करना चाहो वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कभी मानो कोई बात को लेकर के मन अशांत हो गया है तो शांति के सागर में समा जाओ और शांति के सागर में जाकर के शांति का अनुभव करें और मन एकदम शांत और शीतल हो जाए कभी कोई बात को लेकर मन दुखी हो गया है तो सुख के सागर में चले जाओ सुख का अनुभव करने लगो इतना सुख का अनुभव होता है जिसको कहा जाता है अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से परे का सुख होता है जो गोप गोपियों ने अनुभव किया इसी प्रकार कभी कोई बात को लेकर के उदासी में चले गए तो आनंद के सागर में चले जाओ और आनंद के सागर में समाकर आनंद का अनुभव करें कभी चिंतन में मन व्यस्त हो गया है तो ज्ञान के सागर में समा जाओ ज्ञान की अनेक भिन्न भिन्न भिन बातों को लेकर के मन में चिंतन लाते रहे इतना सुंदर चिंतन चलता है जो उसमें से बाहर निकलने को या फालतू तो बातें अगर कोई कर भी रहा होगा तो भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है इस प्रकार अलग अलग अनुभूति की अवस्थाएं हैं और ये अनुभूति की अवस्था जैसे महसूस होने लगती है बैठे हैं कहाँ खो गए समा गए कितना समय बीत गया मन इतना प्रसन्नता का अनुभव करता है एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है कि जब उसमें से बाहर आते हैं तो भी जैसे मन प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त महसूस होता रहता और सारा दिन भी ऐसा जाता है कि जैसे एक अलग दुनिया में खोए हुए हैं चल रहे हैं कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म करते हुए भी वो कर्म हमें खींचता नहीं है लेकिन उस कर्म को भी उपराम स्थिति से जैसे करते जा रहे हों इतना सुंदर वो अनुभव होता है चल रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं सामने वाला भी ये महसूस करता है कि अरे ये कोई अलग दुनिया में आज खोया हुआ लगता है भले हम वही हैं बातें कर रहे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकता है और न ही वो बातों का इफेक्ट हमारे मन की स्थिति के ऊपर आ सकता है न ही वो बात भले कितनी भी सीरियस क्यों ना हो कितनी भी दुखदायी क्यों न हो लेकिन दूसरों को भी उस दुख की अनुभूति से बाहर निकालने वाली वो स्थिति होती है जो कई बार कई लोग फिर कहते भी हैं इस व्यक्ति के संग में चले जाओ ऐसा लगता है जैसे दुख दर्द सब भुला हुआ है और हम भी कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं और वो व्यक्ति ऐसा मैग्नेट की तरफ बन जाता है कि लोग उसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ समय बिताना चाहते हैं क्योंकि समझते हैं कि इनकी बातों के अंदर किसी की निंदा ग्लानी ऐसी बातें नहीं होंगी लेकिन ऐसी आत्मा उन्नति की बातें होती है अनुभूति की बातें होती है भले वो बात न भी करे तो भी उनके संग में रहने से जैसे हम चार्ज हो जाते हैं अंदर से जैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है ऐसी महसूसता आने लगती है ये है चौथी अवस्था अनुभूति की अवस्था कि जहाँ हम अपने अंदर की बैटरी को नित्य चार्ज करते रहते हैं तो ये चारों अवस्था राजयोग की है प्रथम अवस्था विचार सागर मंथन अवस्था मनन चिंतन की अवस्था दूसरी अवस्था परमात्मा के साथ का नज़दीक का संबंध जोड़ करके रू रूहान की अवस्था तीसरी अवस्था के जहाँ हम उस गहरे सागर में समा जाते हैं और समा करके चौथी अवस्था अनुभूति की अवस्था ये दो अवस्था में बहुत कम अंतर रहता है एकाग्रता और अनुभूति एकाग्रता अर्थात दूसरी हर बातों से मन ऊपर हो जाता है कुछ नहीं दिखाई दे बस अपना लक्ष्य वही सामने स्पष्ट हो एकाग्रता की बात को लेकर के एक छोटी कहानी याद आती है कि एकाग्रता किसको कहा जाता है तो एकाग्रता अर्थात कि जब पांडव और कौरवों को गुरु जी धनुर्विद्या सिखा रहे थे सारे थियोरेटिकल ज्ञान दे देने के बाद प्रैक्टिकल एक टेस्ट पेपर लेने का मन हुआ तो गुरु जी ने एक चिड़िया रखी वृक्ष के ऊपर और एक एक को बुलाते गए कि तुम्हें क्या दिखाई देता है हर एक ने कहा हमें चिड़िया दिखती है पेड़ भी दिखता है पत्ते भी दिखते हैं बादल भी दिखता है आकाश भी दिखता है जैसे ये जो जो दिखाई देता था वर्णन करते थे गुरु जी उनको साइड कर देता था लास्ट में जब अर्जुन आया और उसको पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है उस समय अर्जुन ने एक ही बात कही कि मुझे चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है इसको कहा जाता है एकाग्रता योग में भी जब हम बैठते हैं आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है क्योंकि योग खुली आंखों से करना होता है बंद आंख से तो करना नहीं है बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी परंतु हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर हो कि परमात्मा के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे इसको कहा जाता है एकाग्रता और उसमें जब समा जाते हैं तब अनुभव होने लगता है अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है अनुभव कभी भी कोई भी कर सकता है जैसे मान लो माउंट आबू में आते हैं या कोई ऐसे हिल स्टेशन पर चले जाते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते और ठंडी के दिनों में वहाँ चले जाओ जब माइनस टेम्परेचर होता है और उस समय सुबह स्नान करने के लिए जाओ बाथरूम में और ठंडे पानी की बाल्टी रखी हो गर्म पानी ना आता हो और जैसे ही वो उस पानी को देखते हैं बाहर आ जाते हैं कोई पूछता है भाई क्या हुआ तुम स्नान करने गए थे बाहर क्यों आ गए पानी की बाल्टी तो अंदर रखी हुई है कहेंगे अरे वो पानी तो ठंडा पानी है कितनी ठंडी है अरे हाथ तो लगाया नहीं कैसे पता चला कि ठंडा पानी है पानी को देखते ही अंदर समझ लिया और समझ लिया कि पानी ठंडा है बाहर का वातावरण ठंडा है तो ये पानी डालने से ठंडी चढ़ जाएंगी तो भले वो उस पानी को हाथ भी नहीं लगाते हैं लेकिन पानी देखते ही सारे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है अगर ठंडी का अनुभव हम कर सकते हैं तो क्या शांति का अनुभव नहीं हो सकता है विचारों का ही तो खेल है मन की जैसी स्थिति बना लो वैसा अनुभव कर सकते हैं मन में अगर डर के विचार ले आओ मन डर का अनुभव करने लगता है अगर डर का अनुभव कर सकता है तो क्या खुशी का अनुभव नहीं हो सकता है ऐसे विचारों के सागर में जब समा जाता है मन तो जो चाहे वो अनुभव कर सकते हैं जैसा चाहते हैं वैसा अनुभव कर सकते हैं तो इसलिए ये चार अवस्थाएं राजयोग की है के जिसके माध्यम से हम जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं ओम शांति